अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब भाई? ठीक हैं? मैं हमेशा ये दुआ और प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा ठीक रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें। बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, जहाँ एन्जाइटी है, डिप्रेशन है, वहाँ आपको पॉजिटिविटी की डोज लेने की बहुत ज़रूरत है। एनीवेज़, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग नीचे कमेंट्स करते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसी तरह अपना प्यार मुझ पे जो है बरसाएं और सब्सक्राइब करें मेरे दोनों चैनल्स को, एक्सप्लोर कायनात काजी को भी। रिएक्शन वर्ल्ड तो आपका अपना चैनल है, बट फिर भी मुझे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। आज जिस ट्रेलर पर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो है तेलुगु मूवी गांधी वदारी अर्जुना। इस मूवी का नाम है और इसमें मेगा स्टार, मल्टी टैलेंटेड और डैशिंग हीरो वरुण तेज है और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस जो है साक्षी विद्या। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है परवीन सत्रू ने। और अब जाते हैं हम इसके ऑफिशियल ट्रेलर की तरफ। अच्छा, वरुण तेज के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि इनके फादर बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत लाइक बड़े प्रोड्यूसर भी हैं और उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है और पूरी फैमिली खैर बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वरुण तेज की जो कैरियर है ये बहुत स्ट्रगल का है। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, लाइक उनका काम दिखता है डे बाय डे। इन्होंने 13 मूवीज़ की है अभी तक, लेकिन 13 मूवीज़ में अगर आप सब में इनका अवतार, इनका काम, इनका हार्डवर्क देखें तो आप मान जाएंगे। सो एनीवेज, अभी चलते हैं इस ट्रेलर की तरफ और फिर करेंगे इस ट्रेलर के, इस मूवी के बारे में बात। ये मूवी जो है 25 अगस्त में तमाम सिनेमाज में आप देख सकते हैं। इस मूवी का बजट है 60 करोड़ रुपीज़ इस पूरी मूवी का बजट है और 25 अगस्त की सिनेमाज में आ जाएगी, मतलब इसी महीने। सो एनीवेज, अब चलते हैं ट्रेलर की तरफ। చిన్న పని చేసి పెట్టుకుంటాను, మీరు ఒక రూత్లెస్ బిజినెస్ మన దేశాన్ని కాపాడుకోలేను. మనందరికీ సంబంధం ఉంది. అయినా టేక్లైన్ చేయొద్దు, ప్రతి పేపర్ మీద సంతకం పెడుతున్నాం. ప్రపంచానికి నిజం తెలియాలి. I promise, I'll bring her back. భూమికి పట్టిన అతిపెద్ద క్యాన్సర్ మనిషి. ओके, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल दे देती हूँ। मैंने आपको डायरेक्टर का नाम बताया है। इसका जो म्यूज़िक है वो मिकी जे मेयर ने दिया है और अगेन लाइक जो प्रोड्यूस किया है वो किया है BVSN प्रसाद ने। और इसमें जो और लीडिंग एक्टर्स हैं वरुण तेज के अलावा, साक्षी विद्या के अलावा, नसार हैं, विर्मला रामन हैं, विनय राय हैं, नरेन है, रोशनी प्रकाश है, मनीष चौधरी हैं, अभिनव गौतम है, रवि वर्मा है और कलापता है और बीबी विदा। मुझे अच्छा लगता है, पता है बहुत सारे लोग मुझे लाइक यू नो, मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हर एक इंसान की एफर्ट से एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिलती है और हम इंटरटेन होते हैं उसमें। हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन होता है, क्रू का तो डेफिनेटली लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हीं की होती है। कहते हैं ना स्टार्स मेकिंग होते हैं वो डायरेक्टर्स और आपके जो छोटे छोटे, तो इसीलिए एक्टर्स मुझे लगता है ज़्यादातर जो है तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री के, मलयालम इंडस्ट्री के बहुत लोग हम्बल हैं और मैंने देखा उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं।
perspective, उनकी interviews में भी, no doubt. That's why I'm a biggest fan इस industry से, और मैं इसी industry से जुड़ी हूँ जब से मैंने reaction start किया है. अच्छा guys, मैं ये कहूँगी कि मुझे ये movie में इतना समझ आया, आप लोग तो मुझे नहीं समझाते और सिखाते ना टलकू, लेकिन मैं खुद सीख रही हूँ, ठीक है. मैं अपनी टीचर खुद बन गई हूँ, बनती जा रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है मुझे. ग्लोबल वार्मिंग के जो है वो मिनिस्टर होते हैं, उनकी जान को खतरा होता है, और जो वरुण तेज होते हैं वो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, उनको बचा रहे होते हैं, सिक्योर कर रहे होते हैं, और उन्हें खतरा होता है. वो कोई ऐसी चीज़ है जो लाइक बता रहे, देखिए प्लीज़. अच्छा मैं आपको एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब मैं बहुत ज़्यादा फोकस होकर बना रही होती हूँ ना, और मेरी राइट एंड लेफ्ट आवाज़ें आ रही होती हैं, प्लीज़ इस इग्नोर करा करें, क्योंकि मैं इग्नोर करती हूँ. ट्रस्ट मी, मैं इग्नोर करती हूँ. वन डे आई विल मेक माई स्टूडियो लाइक साउंड प्रूफ, मैं पूरा ये स्टूडियो साउंड प्रूफ करूँगी. लेकिन अभी मैं क्या करूँ, अभी टाइम आएगा इंशाल्लाह. लेकिन आप लोग मेरे जज्बे को, मेरी काविश को मद्देनजर रखें और इन चीज़ों को इग्नोर कर दें अगर डस्ट. एनी वेज मैं ये कहूँगी, तो इस पर क्या है कि वो उनको सिक्योर कर रहे हैं. मिनिस्टर ऑनेस्ट है, वो कोई कॉन्फ्रेंस है वहाँ प्रूफ देना चाह रहे हैं, लेकिन जो विलन है वो उनके आड़े आ रहा है और वो उनको जान से मारना चाहता है. और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी कहते हैं ना कि पेड़ ना काटो, मतलब अपनी दुनिया, अपनी अर्थ को बचाओ, अपनी धरती को बचाओ, क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया में ये पेड़ काट देंगे, पेड़ पौधे काट देंगे, तो कुछ नहीं बचेगा. जंगें हो रही हैं वैसे ही, इतनी जो है वायरसेस फैले जा रहे हैं, जैसे कोविड भी आया था. इसलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ, मतलब आपसे जितना हो सके पौधा लगाओ. तो ये चीज़ जो है इसमें मुझे लगता है ये टॉपिक है, और इस टॉपिक में वो बताएंगे कि दुनिया जो है किस तरह से अंत की तरफ जा रही है, और कैसे यू नो जंगे और चीज़ें. तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं मिनिस्टर, बट दूसरी जो पार्टी है वो उनको रोकना चाहती है और वो उनको मतलब मरवाना चाहती है. तो वरुण तेज ऐसा होने नहीं देंगे. पता है मैंने वरुण तेज की फिदा मूवी देखी थी और मुझे इतना क्रश था. बेसिकली एक्शन थ्रिलर मूवी है, फिदा मूवी की तरह रोमांटिक मूवी नहीं है, एक्शन थ्रिलर है. इसमें वो हेलीकॉप्टर वाला सीन दिखाया, और इसमें नो डाउट साक्षी विद्या भी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब एक अलग ही अवतार है दोनों का. सो आई होप गाइज आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा हो, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बी पॉजिटिव, और अगेन पेड़ लगाओ, दुनिया बचाओ.